नमस्कार, मैं हूं वंदना शर्मा। आप देख रहे हैं बिजनेस की बात प्रोग्राम। लॉकडाउन के बाद अनलॉक वन के चरण में मॉल्स खोल तो दिए गए हैं, लेकिन उनका कारोबार पहले के अनुपात में एक चौथाई भी नहीं रहा है। आपको बता दें कि रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के एक सर्वे ने संबंध में जानकारी दी है। सर्वे के मुताबिक एक साल पहले की तुलना में जून के पहले पखवाड़े में मॉल्स के कारोबार में 77% की गिरावट दर्ज की गई है, यानी उनका कारोबार पहले के मुकाबले 25% से भी कम, लगभग 23% रह गया है। ऐसा नहीं है कि कारोबार सिर्फ मॉल्स की दुकानों में ही कम हुआ है, इस दौरान बाजारों में रिटेल कारोबारियों के कारोबार में भी 61% की गिरावट दर्ज की गई है। आरआई के अनुसार क्विक सर्विस रेस्टोरेंट और रेस्टोरेंट पर खर्च के मामले में सेंटिमेंट में 70% की गिरावट, कपड़े और परिधान में 69% की गिरावट, घड़ियों, ज्वेलरी और अन्य पर्सनल एसेसरीज में 65% की गिरावट आई है। जानकारों का कहना है कि लॉकडाउन में नरमी के बाद भी उपभोक्ताओं का सेंटिमेंट डाउन है, जिस कारण लोग खरीदारी करने से बच रहे हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार इस सर्वे में कहा गया है कि लॉकडाउन में जो नरमी दी गई है उसका रिटेल कारोबारियों को कोई लाभ नहीं हो रहा है, क्योंकि उनके कारोबार में कोई विशेष बढ़त नहीं हो पा रही। आपको बता दें कि जून की शुरुआत में ही लॉकडाउन को ढील देते हुए सरकार ने अनलॉक वन को घोषित किया था। अधिकतर राज्यों ने मॉल और बड़े बाजारों के खुदरा दुकानों को भी लगभग 70 दिन के बाद खोलने की अनुमति दे दी थी। वहीं रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने एक बयान में कहा कि ये पाया गया है कि उपभोक्ताओं का सेंटीमेंट लगातार लो बना हुआ है। हाल ही के एक कंज्यूमर सर्वे में ये पाया गया कि लॉकडाउन के बाद से हर 5 में से 4 भारतीय ने अपने शॉपिंग खर्च में कटौती की है। तो दोस्तों, इसी तरह की बाकी अपडेट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको हर अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आप देखते रहिए ओके क्रेडिट। हम जल्द लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।